हाँ जी कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान से बने ब्राह्मण आज सारी दुनिया में फैले हुए हैं या सिर्फ कोई एक दो शहर में है? तो कहीं भी पढ़ाई पढ़े ब्राह्मण ही कहे जावेंगे, परंतु पढ़ाई का प्रूफ चाहिए। और हाथ में जो नवग्रह का गायन है ज्योतिष में, उसका हमारे बेहद में क्या महत्व है? जैसे नवग्रह हैं, वैसे ही नौ धर्म भी हैं। जो नंबरवार भगवान से प्राप्ति करने वाले हैं, ज्ञान की रोशनी लेने वाले हैं, वो नवग्रह तो जड़ हैं, और ये चैतन्य सितारे हैं। वो जड़ ग्रह भी जब आपस में टकराते हैं तो दुनिया का विनाश होता है। उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति, बाकी छोटे छोटे ग्रह हैं। तो छोटे मोटे अगर बड़े से टकराएंगे तो अंत में आखिर इन कौन बचेगा? बड़ा ही बचेगा, तो बृहस्पति ही बच जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है, वो देवताओं के बीच में सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है। सूर्य तो भगवान है, वो जड़ सूर्य की बात नहीं है, ज्ञान की रोशनी देने वाले सूर्य की बात है। तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं धरती के चैतन्य सितारे, और वो आकाश के जड़ सितारे हैं। दुनिया जड़त्व के आधार पर चलती है या चैतन्य के आधार पर चलती है? चैतन्य में ज्यादा शक्ति होती है या जड़त्व में ज्यादा शक्ति होती है? चैतन्य में शक्ति होती है, परंतु हम अपनी चैतन्य आत्मा को अभी तक भूले हुए थे। बाप ज्ञान सूर्य आकर को हमको रोशनी देते हैं कि तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम्हारे में ही कोई बृहस्पति भी है, कोई शनि देवता भी है, कोई मंगल देवता भी है। जैसे नौ धर्म हैं, ऐसे ही उन नौ धर्मों के अधिपति नौ ग्रह हैं। वो जड़ भी हैं और चैतन्य भी हैं। जब चैतन्य तमो प्रधान बनते हैं तो वो जड़ ग्रह भी आपस में टकराते हैं। झगड़ा तमो प्रधानता का आपस में होता है या सतो प्रधान टकराता है? तमो प्रधान टकराता है।
तो बाप आकर के बताते हैं कि जड़त्व के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप के ऊपर कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। बाकी न झूठे वो जड़ तत्व है और न झूठे ये चैतन्य आत्मा है। ये जो ओम आता है ओम, उसमें चंद्रमा पीछे रहता है और आगे तीन होता है, तो हमारा चंद्रमा के आगे तीन आत्मा है। यज्ञ के आदि में अपने स्वरूप को पहचानने वाला ज्ञान चंद्रमा था या अपने स्वरूप को पहचानने वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर थे? अपने स्वरूप को पहले किसने पहचाना? अभी हम जो बात पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दो। ज्ञान यज्ञ जब से संक्षत से शुरू हुआ तो पहले पहले शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं आए या चंद्रमा आया? ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ शिव आते हैं। बाद में सन 47 से मुरलियां चली हैं, तब ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ, तब ओम मंडली बदल करके क्या हो गई? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। इसलिए ओ आ उमा, आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश, ये तीन मूर्तियां पहले हैं, बाद में ब्रह्मा है। ये जो मुसलमान लोग 786 करते हैं तो 6 तो ऐसे चंद्रमा हो गया, 8 भी होता है लेकिन 7 कैसे होगा? 786 होता है ना, हाँ 6 तो ब्रह्मा हो गया और 8 जो है मूर्तियों का सम्मान है, हाँ। तो सेवन कैसे वो उल्टा चलते हैं, हम सीधे चलते हैं। कभी की मुरली में कहा गया है बाबा रमंतु रमनबाज है, इसका क्या रमतु रमजबाज है? मतलब बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो कहने को तो कहते हैं कि बहुत सहज ज्ञान है, लेकिन एक तरफ ये भी बताते हैं बड़ा ज्ञान चटपटा अटपटा खटपटा है। बाबा को तो बच्चों को आगे बढ़ाना है, सहज सहज आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे। इसलिए रमतु रमजबाज कहा जाता है। और जोर से ब्रह्मा की प्रतिष्ठा चेहरा मोरा बदल जाता है। शिव जो है, शिव निराकार ज्योति बिंदु है या सूक्ष्म शरीरधारी है? है निराकार है, निराकार वजन वाला है या हल्का फुल्का है? तो हल्का फुल्का प्रवेश करेगा तो चेहरे में कोई अंतर प्रतीत नहीं होगा, और सूक्ष्म शरीरधारी जब प्रवेश करते हैं तो चेहरा मोरा बदल जाता है, यही अंतर है। भक्ति मार्ग में जो साधना करते हैं प्राप्तियों के लिए, सिद्धि के लिए, तो उन देवताओं से कैसे प्राप्ति होता है? वही देवताएं अगर यहाँ हैं, यहाँ कहाँ देवताएं हैं? बाबा ने कहा है ना, तो यानी भक्ति में कैसे सिद्धियां और जो सूक्ष्म शक्तियां प्राप्ति होती हैं? भक्ति में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है, शक्ति प्राप्त होती तो दुनिया ऊपर चढ़ती या नीचे गिरती?
तो कोई शक्ति प्राप्त भक्ति मार्ग में नहीं होती है, सिवाय नीचे गिरने के कुछ भी नहीं मिलता। क्या होता है, सिद्धियां प्राप्त होती है? कोई सिद्धियां नहीं, ये सब कपोल कल्पित गाता है। हाँ, जो अभी साईं बाबा जिनका अभी ध्यान सुना गया, हाँ, तो वो कहते थे कि मैं ईश्वर हूँ। हाँ, तो अब वो कई कई सिद्धियां करते थे। हाँ, तो हवा से, हवा में कोई भी जो चीज जो मांगते थे वो निकाल के देते थे। हाँ, तो वो ऐसा कैसे करते थे? तो उनसे कभी क्यों नहीं पूछा आपने कि आप स्वर्ग निकाल के दे दो? मिले ही नहीं बाबा उनसे। तो आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? हमने अभी पेपर में पढ़ा मुरली। फिर वही पेपर में सुनी सुनाई बातें लिखी जाती हैं या प्रैक्टिकल में अनुभव की हुई बातें लिखी जाती हैं? बाबा ने तो बता दिया, भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया है। फालतू की बातों में बुद्धि का रमण क्यों करना चाहिए? वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो जाता है। है। हाँ जी, इसका अर्थ यही है, जब यज्ञ का आदि हुआ, जब ज्ञान का बीज रोपण हुआ, तो उसी समय ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हो गई थी, दो पार्टियां बन गई, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। और दो पार्टियां बनना माना आपस में झगड़ना, विघटन भी शुरू हो गया। जैसे संक्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर विघटन शुरू हो गया, विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। और बाबा आगरा के पास रचने रहा है, वहाँ पे दी गई कि उनका ज्ञान है, लेकिन ये एडवांस थिंकर नहीं है, वहाँ पर संदेश दे सकती हूँ? अरे दुनिया में कहीं भी संदेश दो, आप जहाँ कहीं भी पांव रखेंगे सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। एडवांस वाले पूछने की बात ही नहीं है, देना है उसमें पूछा नहीं जाता। दान देने के लिए पूछ के दान करना है क्या? ये तो ज्ञान का दान है, ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ दान है, इसमें पूछने की बात नहीं। और बाबा जो तीन निशान होते हैं वो काय पर होते हैं? कौन से तीन निशान? तीन लाइनें होती हैं। हाँ, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियों की यादगार हैं। और थोड़ा जोर से बोलो, रुद्र माता के मूर्ति द्वापर में आते हैं तो कौन सा काट जाते? द्वापर कलयुग में राजाएं बनती हैं तो सत्य त्रेता में कौन सा काट जाते? सत्य त्रेता में देवताएं बनते हैं। द्वापर कलयुग में कौन सा काट जाते? द्वापर कलयुग में भी देवताएं बनते हैं, वो राजाएं बनते हैं, विकारी राजाएं बनते हैं, हिंसक राजाएं बनते हैं। वहां हिंसक थे, द्वापर कलयुग में हिंसक बन जाते हैं। और हमारा पांच इंद्रियां होते हैं, हमारा पांच इंद्रियां होते हैं और उसको सजा देने के लिए पांच विचार होते हैं, तो आपसे हम क्या पांच सत्य मिलते हैं जो इनको विनाश करने के लिए सहायता होती है? ये क्या पूछा? पांच इंद्रियां होती हैं, पांच विकार होते हैं। हाँ, तो फिर क्या पांच सत्य मिलते हैं जो इनको विनाश करने के लिए सहायता? पांच
पांच कौन सी इंद्रियों की बात कर रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं या कर्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का क्या कनेक्शन? कर्म इंद्रियों से तो काम विकार का, क्रोध विकार का, लोभ मोह अहंकार का कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, ज्ञान इंद्रियों से कैसे जोड़ेंगे? फिर सोच के पूछो। बाबा आपने बोला जैसे क्लास करना कहीं भी मार मारता तो प्रूफ देना है, हाजिर रजिस्टर रखो साइन करो। हाँ हाँ पूरा जब मांगा जाए तो दो। और सीढ़ी के चित्र में जो कितनी आत्माएं बताई 550 करोड़, कभी कभी बाबा 700 करोड़ भी बोलते हैं। 550 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, जो मननात मनुष्य कहा जाता है, जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं। और एकदम सृष्टि की लास्ट में जो 200-150 करोड़ मनुष्य आत्माएं आती हैं, वो जानवर मक्खी मच्छर मच्छर मिसल आती हैं, वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने योग्य नहीं होती है, इसलिए उनकी गिनती नहीं की है। अच्छा बाबा अभी ये आत्मज्ञान है तो एक को समझाना चाहिए ना, तो अभी गांव गांव में जो संदेश नहीं मिला है तो वो तो प्रजा क्वालिटी की आत्मा निकलेगी, इसमें भी कोई वारिस तो होंगे ना? प्रजा क्वालिटी की आत्माएं तो बेसिक में निकालते आए, हुजूम का हुजूम इकट्ठा करके ज्ञान देते आए, वो प्रजा की क्वालिटी निकली। लेकिन गांव में भी बाकी है संदेश। हाँ तो गांव में संदेश जा रहे हैं ना, आप में से ज्यादा परसेंटेज तो गांवड़े से ही आए हुए बैठे हैं। और बाबा किसी माता को गीता पाठशाला 10-15 किलोमीटर दूर पड़ती है रोजाना? रोजाना क्यों आए? जो ज्यादा दूर है वो तीसरे दिन आए, उससे भी ज्यादा दूर है सो सप्ताह में 2 बार आए, 1 बार आए, और भी दूर है तो 15 दिन में 1 बार आए, और ज्यादा दूर है तो महीने भर में आए। रेगुलर आए तो वो भी रेगुलरिटी कही जाएगी। महीने में 1 बार आएंगे? हाँ जी महीने में 1 बार आना, महीने में 1 बार आए ज्यादा दूर है तो लगन तो साबित होती है ना। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लक्ष्मी नारायण का नारायण के पीछे जो बेसगिरी दिखाते है ना, हाँ जी लक्ष्मीनारायण के जो चित्र है उसमें पीछे की साइड बेसगिरी बता दे ना, हाँ। तो लक्ष्मी के पीछे हरा कलर है और उसमें रेड कलर है, तो उसका क्या मीनिंग है? वो क्रांतिकारी है नारायण, शंकर का पाठधारी है और वो स्वर्ग लाने वाली है, इसलिए हरा हरा दिखाया है, क्योंकि वो ब्रह्मा के द्वारा पालना लेती है। ब्रह्मा श्रावण का अंधा है, इसको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई देता है, उसकी औलाद भी स्वर्ग में जीती है, इसलिए लक्ष्मी को हरा पेशगीर है और नारायण को लाल पेशगीर दिखाया गया। वो स्थापनाकारी है, वो विनाशकारी है, दोनों ही कल्याणकारी है। संकल्प की क्रांति होती है जरूर। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में क्रांति नहीं देखने में आ रही है? और जो बना है उसका बेहद में क्या?
इस बात का क्लैरिफिकेशन अभी दो तीन जब से लादेन ने शरीर छोड़ा है तब से 6-8 बार किया जा चुका है। पिछली वाणियां पढ़ लीजिए। बाबा सतयुग की शूटिंग जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से ब्राह्मणों की दुनिया में 1960-61 से शुरू होकर 76 तक चलती है और राम बाप का जन्म 1942 में होता है मगर 1942 से 1969 तक राम वाली आत्मा ज्ञान में ही नहीं होती है तो फिर उसकी सतयुग की शूटिंग कब होती है। माना राम वाली आत्मा 1942 से पहले ज्ञान में होती ही नहीं। ऐसा है? ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 70 साल से कम है वो सब यज्ञ के आदि में मौजूद थे ब्राह्मणों की दुनिया में। राम वाली आत्मा की तो बात ही क्या कहने। तो राम बाप और राम बाप के जो फॉलोअर्स सूर्यवंशी बच्चे थे उन्होंने तो यज्ञ के आदि में ही सूर्यवंशी की सतयुग की शूटिंग कर ली। सन 76 के बाद पित्रेता युग की शूटिंग शुरू होती है। कोई ने पूछा है हम बच्चे अपने अपने स्थान पर बाबा की याद में अमृत बेला बैठते हैं तो क्या बाबा भी बच्चों को पावर देने के लिए अमृत बेला अपने स्थान पर बैठते हैं? बच्चे ज्ञान में पहले आए हैं कि बाबा पहले आए हैं? पहले कौन आया? तो बाबा ने पहले पुरुषार्थ कर लिया बैठने वाला या बच्चों ने पहले किया? तो बाबा को करने की दरकार है? मुरली में तो बाबा बोलते हैं बच्चे चलो आगे मैं आता हूँ। बाप भी लौकिक बाप भी बच्चों को आगे आगे चलाते हैं पीछे पीछे खुद चलते हैं। बच्चों को उमंग उत्साह देने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो बाप भी कहते हैं बच्चे दौड़ो तुम आगे चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। तुम्हारे पांव छोटे छोटे हैं मेरे पांव तो लंबे लंबे मैं कभी भी आगे पहुंच जाऊंगा। बाकी दो बाप हैं बेहद के एक है अंतर्यामी और एक है बहिर्यामी। जो बहिर्यामी है उसको बाबा कहा जाता है जो अंतर्यामी है उसे शिव बाबा कहा जाता है। वो शिव बाबा तो सदैव ही बैठने वाला है या कभी सोने वाला भी है? है वो तो सदैव ही जागृत है।
को बोलते हैं और राधा कृष्ण को बोलते हैं और माँ सीता को बोलते हैं, पर शंकर का नाम क्यों बोलते हैं? पहले शंकर को क्यों बोलता है और राम सीता लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण देवताएं हैं या भगवान हैं? देवताएं। और शंकर पार्वती भगवान भगवती का रूप है या देवी देवताएं मात्र हैं? तो भगवान भगवती हैं, वो सबसे ऊंचे हैं, उनमें भगवान और भगवती दो रूप हो गए। तो भगवान बड़ा या भगवती बड़ी है? भगवान बड़ा, इसे शंकर को आगे रखते हैं और पार्वती को पीछे रखते हैं। देवी देवताओं में देवियों को आगे इसलिए रखा गया है कि देवियां जब तक आगे कदम नहीं बढ़ाती हैं पुरुषार्थ में, तब तक देवताएं भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देवताएं पुरुष रूप थे पुरुषार्थी जीवन में। पुरुष जितने होते हैं सब सब दुर्योधन दुशासन, वो अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकते विकारों के विजय के मामले में, इसलिए उनका नाम पीछे है और कन्याओं माताओं का नाम आगे है। शंकर जी के लिए शूटिंग हो रहा है, शूटिंग गोला में दिखाया गया है। शंकर जी के 1936 से शुरू होकर 2004 में एंड हो जाता है। ये संगम युग पर, इस संगम युग पर जब 84 का शूटिंग होता है आत्मा की, तो दिखाया गया है कि 1936 से शुरू होकर 2004 में एंड हो जाता है। तो 2004 से 2036 तक ये जो चल रहा है पांच संगम युग की, ये कौन सी शूटिंग चल रहा है? तीन देवताएं हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शंकर है। तो दो तो पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं ब्रह्मा के द्वारा कार्य पहले, फिर शंकर द्वारा बीच में, और लास्ट में विष्णु द्वारा। विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल होता है या सिर्फ संकल्पों का कार्य होता है या वाचा का होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार अंत में दिखाया गया है। सारी दुनिया में नरसिंह अवतार ने विनाश कराया, ये बात कैसे लागू होती है? नरसिंह का मतलब क्या है? नर माने क्या? नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर। मनुष्य किस रूप में आया? शेर के रूप में आया। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है, इस कांटों के जंगल में सब जानवर बुद्धि भरे पड़े हैं, जो ज्ञान की बातों को पूरा पूरा समझते ही नहीं, जो ना समझे हैं, जिन्होंने ज्ञान सुना ही नहीं है उनकी तो बात छोड़ दो, और जिन्होंने ज्ञान सुना है समझा है वो भी आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? क्या कहेंगे? जानवर बुद्धि है। ऐसे जानवर बुद्धियों का विनाश कराने के लिए फिर भगवान को ही कोई मनुष्य तन में जानवरों के राजा शेर के रूप में प्रत्यक्ष होना पड़ता है, और विनाश कराए देता है।
दुनिया में जो भाषाएं निकली हैं उनकी उत्पत्ति कब होती है और कैसे होती है और कौन इन भाषाओं को निकालने के निमित्त बनते हैं। जो रोज की मुरली सुनने वाले हैं उन्होंने मुरली में सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि बाबा ने बोला है जो जो राजा निकलता है वो अपनी भाषा चला देते हैं। पहले सतयुग त्रेता में एक ही भाषा होती थी, एक ही राजा होता था और एक ही डायनेस्टी चलती थी। बाद में द्वैतवादी युग शुरू हुआ, दो दो धर्म, दो दो राज्य और दो दो भाषाएं उठती गईं, दो से चार, चार से आठ, आठ से बारह, ऐसे भाषाओं का भी मल्टीप्लिकेशन होता गया। तो जितने जितने वंश परंपरा में राजाएं हुए हैं उतनी उतनी भाषाएं निकल पड़ी। एक के निमित्त बनने की बात नहीं है। बाबा जो आदि से लेकर के बाप के सहयोगी बनते हैं फिर बाद में माया के फाइनल पेपर में अनिश्चय बुद्धि होकर के बाप का साथ छोड़ देते हैं, वो स्वर्ग में ऊंच पद पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? इतना तक तो पता है पूछने वाले को कि साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये साथ छोड़ने का भी ड्रामा में क्रम क्यों नुदा हुआ है। पद एक जैसे होंगे, कुर्सियां एक जैसी होंगी या नंबरवार होंगी? तो नंबरवार बनाने के लिए ही ये अनिश्चय बुद्धि होने का ड्रामा में नूद है। कोई पहले अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कोई बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे। जो जितना बाद में अनिश्चय बुद्धि बनेंगे उतना ही पहले बाप के नजदीक फिर से आ जाएंगे। ऐसे पद बन जाते हैं नंबरवार। बाबा यहां तो ज्ञान की ऊंचाइयां ज्यादा हैं, लेकिन यहां संख्या बहुत कम है, वहां बीके में ज्यादा जोर है, लेकिन ज्ञान की गहराई तो उतनी नहीं है, फिर वहां ज्यादा जोर क्यों है? पांडवों की संख्या ज्यादा थी या कौरवों की संख्या ज्यादा थी? अज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है? दुनिया में श्रेष्ठ ज्यादा होते हैं या कनिष्ठ ज्यादा होते हैं? कनिष्ठों की संख्या ज्यादा होती है और श्रेष्ठ की संख्या कम होती है। बाबा संगम की लक्ष्मी नारायण जब सतयुगी राधा कृष्ण को जन्म देंगे तब उनकी आयु कितनी होती है? संगम की लक्ष्मी नारायण संगम युग में कहे जावेंगे या सतयुग में कहे जावेंगे? है संगम में कहे जावेंगे। और संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का है? 100 साल का है। कौन से सन तक?
2036 तक। तो इससे साबित होता है कि 2036 तक लक्ष्मी नारायण कायाकल्प कर लेंगे और उनसे राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म भी हो जाएगा। सुखधाम और शांति धाम को याद करने का तरीका क्या है? सुखधाम अर्थात स्वर्ग और शांति धाम अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान, जहां सिर्फ आत्माएं रहती हैं, जीव नहीं रहते, जीवन नहीं होता। बाप का घर शांति धाम जिसे कहा जाता है, जो सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार कहा गया है, जहां बुद्धि की ऊंचाई इस दुनिया से परे हो जाती है, कोई संकल्प नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता, सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु देखने में आती है, उसे कहते हैं शांति धाम को याद करना। और मुरली में सुखधाम की जो भी बातें बताई हैं, उन बातों में रमण करना, उन बातों को याद करना सुखधाम की याद है। सुखधाम इस साकार दुनिया की चीज है और शांति धाम निराकारी दुनिया है, जहां शरीर नहीं होते, पांच तत्व नहीं होते, कोई संकल्प नहीं होता सिवाय आत्मा के, आत्मिक स्थिति। विनाश काले विपरीत बुद्धि का बेहद का मतलब क्या है? अभी विनाश काले कहें, स्थापना काले कहें या पालना काले कहें, अभी कौन सा काल चल रहा है? पानी पानी पानी। अभी स्थापना का काल चल रहा है, विनाश का काल चल रहा है या पालना का काल चल रहा है? है राजधानी स्थापन हो गई है, है हो रही है, राजधानी स्थापना का फाउंडेशन तो चल रहा है, तो स्थापना काले है। अभी विनाश काले नहीं कहेंगे, जो दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स की राजाइयां चलने लग पड़े, सभी धर्म संप्रदाय डोलने लग पड़े, वो विनाश काल शुरू नहीं हुआ है। हाँ, वो विनाश काल ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो चुका है, जो राजाई जमा कर बैठे हुए हैं वो अंदर अंदर डोलने लग पड़े हैं, जो गलत धारणाएं जमा करके बैठे हुए हैं ज्ञान के बारे में वो अंदर अंदर डोलने लग पड़े हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ये मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो हम बना करके बैठे हैं,
मठ पंथ ये साफ चलने लगवा चलने चलने वाले हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। धारणाओं की बाजी हार गए हैं। तो अभी विनाश काले नहीं कहेंगे, विनाश काले तब कहेंगे जब ब्राह्मणों की दुनिया के साथ साथ बाहर की दुनिया के भी मठ पंथ संप्रदाय चलने लग पड़े और राजाइयां हिलने लग पड़े। स्थूल एटम बम फूटने लग पड़े तब कहेंगे विनाश काले। और विपरीत बुद्धि किसके साथ बाबा, ये संगम की लक्ष्मी। अरे बात तो पूरी हो जाने दो। तो विपरीत बुद्धि किसके साथ, तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना, 500-700 करोड़ मति हैं, बुद्धि हैं, बुद्धि माने आत्मा, जनमन के चक्र में आने वाली। तो विपरीत बुद्धि किसे कहा जाए, किसके साथ विपरीत बुद्धि। कोई साकार है जिसके साथ विपरीत बुद्धि, या निराकार आत्मा है जिसके साथ विपरीत बुद्धि। जरूर कोई साकार है, जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ में परमपिता परमात्मा प्रवेश करके जो श्रेष्ठ बुद्धि धारण कराता है, उसके प्रति विपरीत संकल्प अगर चलते हैं तो उनके पद का जरूर विनाश होने वाला है। इसलिए कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, उनका पद विनाश होने वाला है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात लागू होती है और बाहर की दुनिया वालों की बुद्धि में भी ये बातें लागू होंगी। संगम की लक्ष्मी नारायण है तो राधे कृष्ण को जब जन्म देंगे तो कंचन काया होगी तो कब होगी, आयु कब होगी, कितनी होगी है? अभी तो बता दिया आयु शरीर की होती है या आत्मा की होती है। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? हाँ तो कब हुआ? 76 से जोड़ दो सन 36 तक, कितने वर्ष हुए है? सन 36 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो मुरली में यही तो बोला गया है, वहां जब 60 साल की आयु होगी तो बच्चा पैदा होगा। ये बात किसके लिए टैली होती है? सतयुग के बाद वाले नारायणों के लिए टैली होती है या संगम युगी पहला नारायण है उसके लिए टैली होती है? आपकी तो आयु ज्यादा होगी ना? आयु ज्यादा होगी लेकिन बच्चा तो पहले पैदा होगा ना। तो आप तो बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, आपको बच्चा पैदा करने की ललक है या पूरी आयु की ललक है? पूरी आयु। बाबा हाँ जी, ये भक्ति में त्रेता युग में राम ने नल दिन की मदद से पुल बनाया था है? भक्ति में गायन है कि राम ने नल दिन की मदद से पुल बनाया था लंका में विजय करने के लिए, तो बेहद में वो नल दिन कौन है, पुल का क्या मतलब? नल क्या करता है, नल का काम क्या है, धुलुलुलु क्या करता है?
अरे नल क्या करता है? तो यहाँ पानी देने वाला कौन है? नल है? अरे पानी देने वाला नल कौन है? बाबा। हाँ, आत्मा कौन सी है? है राम वाली आत्मा। और नील माने नीला रंग, नीला रंग, काला रंग और हरा रंग, ये विषैले रंग माने जाते हैं या अमृतत्व देने वाले रंग माने जाते हैं? विषैले रंग हैं। तो वो नील का काम है। बंदर भी दो प्रकार के खास होते हैं, एक काले मुंह वाला और एक लाल मुंह वाला। तो जो काले मुंह वाला है वो ज्यादा विकारी होता है, इसलिए नील है उसका नाम। ये दो बंदर हैं जो पत्थर बुद्धियों को पानी में तैराए देते थे। कौन से पानी में? ये विषय सागर है, विषय सागर में तैरना सिखाई देते हैं। विषय वैतरणी नदी में तैरना सिखा देते हैं, डूबने वाले नहीं है। कैसे पत्थर बुद्धि है? जो पार हुए हैं, खुद भी पार जाते हैं और अपने संगी साथियों को भी पार ले जाते हैं, ऐसे पत्थर हैं बुद्धि। उन पत्थरों का पुल बनाया हुआ है, उन्होंने स्थूल बात समझ ली है। और दिल्ली में आया कि भारत में ज्यादा अनाज था, ज्यादा अनाज मिलता था। हाँ, आजकल इतना कम से हो गया तो विदेश से मंगाना पड़ता है। हाँ, तो आसमान का प्रति लागू होता है? वेद में ही लागू होता है, हद में भी लागू होता है। जो बातें हद में लागू होती हैं वो बात वेद में भी लागू होती है, लेकिन ब्राह्मणों को कहाँ कौन से अर्थ में लाना चाहिए? पहले बेहद में लाना चाहिए। तो क्या अर्थ लगाएंगे? है? हाँ, जो अच्छे अच्छे रत्न हैं, वो कलयुग के अंत में कहाँ भेजे जाते हैं? विदेश में भेजे जाते हैं। बाहर की दुनिया की रीति से भी देखो, भारत के जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में नंबर लेने वाले हैं, वो विदेशों में जा रहे हैं या भारत में कमाई कर रहे हैं? विदेशों में जा रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया के जो अच्छे अच्छे रत्न हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो विदेश में पहुंच चुके हैं। उन विदेशों से सारी कमाई आती है, अनाज आता है, अनाज भी बेहद का है। अनाज अन्न को कहा जाता है, पानी ज्ञान को कहा जाता है। जो याद का अन्न है, अनाज है, वो सारा विदेशियों में पहुंच चुका है। उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा है, वो ही हमको ताकत देता है। दुनिया की सारी शक्तियां, सारे कार्य प्योरिटी से होते हैं। भारत इम्प्योर बन चुका, लक्ष्मी भी बाहर चली गई कि अंदर है भारत में? वो भी बाहर चली गई। हाँ जी, हमने 2001 में भर्ती करी थी, अब 2011 में कर रहे हैं, तो हमें बड़े होके भी भर्ती करने पड़ेगी। 2001 में भर्ती की, अभी 11 में कर रहे हो, फिर बड़े होके
मन नहीं करना तुम, चलेगा ज्ञान में चलते रहो, है रोज क्लास करते रहो। अच्छा और तू छोड़ दिया तो? नहीं छोड़ेंगे, ठीक है पक्का है। स्वयं शक्ति के पाठ बजाए जबकि जगदम्बा माता के द्वारा स्वयं शक्ति का पाठ नहीं बजाए, देखा क्यों? आपकी गलत फहमी है। ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति का पाठ बजाने वाली आत्मा शिव की है या दादा लेखराज की है? है? आपने समझ लिया ऐसा? शिव जो है वो स्त्री पुरुष नहीं देखता है, शिव तो सिर्फ देखता है पुरुषत्व। पुरुष कहा जाता है कठोर को, जो अपनी बात पर पक्का दृढ़ रहे उसको कहते हैं पुरुष। कलयुग में स्त्री अबला हो जाती है या सबला होती है? अबला हो जाती है। तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है उसी में शिव का पाठ चलता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं पत्थर ठिक्कर में नहीं आता हूं, मैं जानवरों में नहीं आता हूं, पत्थर बुद्धियों में नहीं आता हूं, ठोकर लगे और ढेले की तरह टूट जाए उसमें नहीं आता हूं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले में आता हूं। और चारों के नामों पर गीत चलता है, सनक कुमार पर गायन है, लेकिन तीनों के नाम कुछ गायन है। तीनों के नाम पे गायन नहीं है? ब्रह्मा का फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, शिव का फॉलोअर शैव। फॉलोअर या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही सनत का फॉलोअर सनातन, जिन का फॉलोअर जैन। तो सनत है सनातन धर्म का बाप, सनातन धर्म में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों आ जाते हैं। इन दोनों के बाद कौन सा धर्म आता है? हैं? इस्लाम धर्म। वो उसका बच्चा हो गया। सनातन धर्म का बच्चा कौन बनता है द्वापर में? हैं? इस्लाम धर्म, वो ही सनातन है। तो सनत जो है वो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला बाप है। उसके बाद विदेशियों में बड़ा है सनातन। सनातन, फिर सनंदन, लास्ट में आता है सनत कुमार। और सबके लिए, सबके लिए, अरे सबके लिए नूद है या नहीं है? हैं? किसके लिए नहीं है?
अनिश्चय बुद्धि बनना किसके लिए नूद है और किसके लिए नूद नहीं है? नहीं, एक मुकर्रर रथ के लिए नूद नहीं है, उसके अलावा सब के लिए नंबरवार अनिश्चय बुद्धि बनना नूद है। पुरुषार्थ से कनेक्शन नहीं है और काय से कनेक्शन है? जो अभी सबसे जास्ती अनिश्चय बुद्धि बन रहे होंगे घड़ी घड़ी, तो उनका लंबा टाइम पुरुषार्थी जीवन अनिश्चय बुद्धि का बन गया या निश्चय बुद्धि का बन गया, तो अंत में भी क्या हो जाएंगे? अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। हाँ, विष्णुपुरी को ससुर घर क्यों कहते हैं? कि जो विष्णुपुरी है वो बाप का घर है। किसके बाप का घर? वर पक्ष के बाप का घर। वर माने श्रेष्ठ। कौन है श्रेष्ठ, नर या नारायण? नारी या लक्ष्मी? नारायण ही श्रेष्ठ है। तो वो ससुर घर हो गया। ससुर घर में नारायण को वर्षा मिलता है। किसका वर्षा मिलता है? नारायण को बाप से वर्षा मिलता है। तो ससुर कौन हुआ? नारायण, जिसे वर्षा मिलता है अपने बाप से, वो बाप ही तो ससुर हो गया। इसलिए फिकरा बनाया था एडवांस में, ससुर घर शंकर का, पियर घर ब्रह्मा का।